बड़ी खबर से जो कि भोपाल से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी रिव्यू मीटिंग लेगी, अपने नेताओं पदाधिकारियों का रिव्यू करेगी। 4 जून के बाद नेताओं के परफॉर्मेंस पर समीक्षा भी होगी। चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के काम की समीक्षा भी की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में लीड घटी तो विधायकों की टेंशन बढ़ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी रिव्यू मीटिंग लेने जा रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी अपने नेताओं पदाधिकारियों का रिव्यू करेगी। भोपाल में सभी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समितियों और विधानसभाओं की चुनाव प्रबंधन समिति के 38 विभागों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लोकसभा प्रभारी, संयोजक, विधायक, चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के कामों की समीक्षा की जाएगी। भोपाल में होने वाली रिव्यू मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य रूप से इस बैठक में मौजूद रहेंगे, रिव्यू मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अगली खबर भोपाल से ही बड़ी खबर है, जहां मतगणना के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार हो चुका है देश, मध्य प्रदेश। मतगणना के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। 29 संसदीय सीटों की मतगणना पर 116 प्रेक्षक नजर रखेंगे। प्रेक्षकों की उपस्थिति में काउंटिंग की पूरी प्रोसेस कराई जाएगी, काउंटिंग की पूरी प्रोसेस होगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जो कि 4 तारीख के संदर्भ में है, चुनाव परिणाम के संदर्भ में है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतगणना प्रेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। 29 संसदीय सीटों पर मतगणना पर 116 प्रेक्षक नजर रखेंगे। सुरक्षित ढंग से मतगणना हो सके, तमाम निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से मतगणना हो सके, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, निर्बाध रूप से मतगणना हो सके, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सब कुछ कर दी गई हैं। और मध्य प्रदेश में बोरवेल में खुला छोड़ने पर अब कार्रवाई होगी। बोरवेल खुला छोड़ने पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। कड़े कानून को लाने की तैयारी में सरकार है। कई बच्चों के गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। जनहानि होने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। बड़ी खबर है, लगातार कई घटनाओं के बाद सख्ती दिखाई है प्रशासन ने। बोर करने वाली एजेंसी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी अगर बोरवेल खुला छोड़ा गया तो। कड़े कानून लाने की तैयारी में भी सरकार है। आगामी सत्र में कड़ा कानून देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आगामी समय में जो भी अपडेट होगी सब कुछ विस्तार न्यूज आपको विस्तार से बताएगा। कई बच्चों के, रीवा के मनिका गांव में जो बच्चा गिरा था, उसकी विस्तार न्यूज ने आपको पूरी एक एक डिटेल दिखाई थी, सब कुछ बताया था, सब कुछ दिखाया था। और अब कड़ा कानून लाने की तैयारी में सरकार है और आगामी सत्र में संभवतः ये कानून लाया जा सके, ड्राफ्ट कमेटी के पास भेजा जाए, फिर उसके बाद पटल में रखा जा सकता है। इधर इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा और पीएम मोदी की तीसरी पारी में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प है। और क्या कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, सुनिए। जनता ने अपना दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, संपूर्ण देश की 140 करोड़ जनता अपना अटूट विश्वास रखती है और इस बार एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दोनों साथ मिलकर रचेंगे। और जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पिता पुत्र हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने भी सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया है।
सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबे समय से पिता की हत्या की प्लानिंग करने के बाद ये भागे हुए थे और नाबालिग लड़की और ये आरोपी है मुकुल सिंह, और पुलिस ने उत्तराखंड से धर दबोचा था लड़की को वहां की जनता की सहायता से, और अब मुकुल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन अभी जो है वो ताजा जो जानकारी हम आपको देख रहे हैं वो ये जानकारी है कि मुकुल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। और बड़ा जो ये कांड था, हत्याकांड था, पिता पुत्र की, खुद की उनकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया था, वो सुलझ गया। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। दुर्गेश, सरेंडर का हमने बोला था दो दिन पहले कि सरेंडर मुकुल करेगा, और हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी, और अब ये खबर आ गई है, कैसे किया इसने सरेंडर, क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल नीतेश, देखिए 75 दिनों के बाद मुख्य आरोपी थक हार गया, पैसे खर्च हो गए और अब कोई रास्ता नहीं बचा। जो प्रेमिका थी वो भी पुलिस की हिरासत में आ गई थी, लिहाजा उसने सरेंडर का करना ही ठीक समझा, और यही वजह है कि कल देर रात सिविल लाइन थाने में पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया। और थाने में जाकर पुलिस वालों को ये बताया कि मैं ही मुकुल सिंह हूँ, मैंने ही सिविल लाइन के मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा की हत्या की है, उनकी बेटी की हत्या की है। जैसे ही पुलिस के सामने आरोपी सामने आके खड़ा हो गया तो वो भी चौंक गई। हालांकि तत्काल उसे हिरासत में ले लिया गया और फिर उससे पूछताछ शुरू की गई। सुबह पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी और स्पष्ट तौर पर यह बताया कि नाबालिग लड़की और लड़का दोनों इस हत्याकांड में बराबर के सहभागी हैं। यानी कि जिस बात की आशंका हम ये जता रहे थे कि शायद डर या दहशत के चलते नाबालिग लड़की उसके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों के बीच प्रेम संबंध इतने प्रकट हो चुके थे कि उन्हें पिता का प्रेम भी नजर नहीं आया, और पिछले कई महीनों से वो पिता को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना रहे थे। अब आगे की क्या उसकी बड़ी वजह हो रही है कि प्रेम संबंध पता चलने के बाद हथियार वगैरह मिल गए थे, अब आगे क्या चार्जशीट इम्पोज की जा रही है, क्या प्रक्रिया बताई गई है, कानूनी प्रक्रिया का क्या पालन किया जाएगा, तमाम इस संदर्भ में भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि दोनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, वो पुलिस हिरासत में आ गए हैं। अब इसके मामले, इसके बाद पुलिस पूछताछ करेगी। हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी को ऐसी जानकारी मिली है कि ये बेंगलोर में जाकर अपने किसी दोस्त के घर छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब दोस्त को ये मालूम चला कि किसी हत्याकांड को अंजाम देकर यहाँ आया है तो उसने वहां से उसको भगा दिया। ये पुलिस की प्राथमिक जानकारी मिली है। लेकिन इसके बाद दुर्गेश, माफी चाहूंगा, इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम एक बार फिर जोड़ेंगे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है, सीधे वहां ले चलते हैं, हम फिर इस मामले पर बातचीत करेंगे। देख सकते हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भगवान दास जी, मीडिया के प्रभारी भाई आशीष जी और मेरे सभी भोपाल के मीडिया के पत्रकार मित्रों, ये पत्रकार वार्ता वैसे पत्रकार वार्ता है, औपचारिक भी है, लेकिन अनौपचारिकता इस पत्रकार वार्ता के अंदर इसलिए है कि ये आप सभी मित्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि चुनाव का अंतिम चरण प्रचार समाप्त हो गया है तो हमारी भूमिका समाप्त हो गई। अब जनता की भूमिका जो शेष 58 सीटों पर बची है, तो कल मतदान होगा, तो उससे पूर्व एक बार अपने सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम लोग मिलें, तो इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रण है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने साथ हम लोग मिले, तो इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रण है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, सबने मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को हमने जो कैंपेन किया, आज मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। हम सब लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि प्रशंसाएं होती रहती हैं, कभी कभी श्रेय भी मिलते रहते हैं, लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे, 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे आपको बताने में इस बात का बड़ी गंभीरता के साथ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, जो हमने हर बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था। और दूसरी बात, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, इस बार मुझे आप सबको ये बताने में गर्व है कि आगामी आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। जो हमारी प्रबंधन की टोली ने जो प्रयास किए थे वो मैं आपके सामने जरूर कुछ कम शब्दों में रखना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय नेताओं के प्रदेश के नेताओं के जो हमारे प्रवास थे उस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 जनसभाएं और 2 रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। माननीय गृह मंत्री हमारे लोकप्रिय नेता जिनका मध्य प्रदेश पर हमेशा विधानसभा का चुनाव हम उनकी कुशल रणनीति के साथ हमने इतिहास बनाया, तो माननीय अमित शाह जी यहाँ पर 4 जनसभाएं 1 रोड शो और 1 क्लस्टर की बैठक, बूथ स्तरीय सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध सम्मेलन, क्योंकि माननीय अमित शाह जी के प्रयासों में हमेशा बूथ और कार्यकर्ता से उनके प्रयास ही हमेशा उनकी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 जनसभा हर राज्य में लगभग 12 राज्यों के दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन देश के अंदर हुए हैं, तो उधर भी चाहे वो बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र तेलंगाना पंजाब आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे लगभग आपने देश के अंदर 72 लोकसभा सीटों को कवर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अथक मेहनत और परिश्रम इस लोकतंत्र के महापर्व में इस बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में ही मैं एक बात और इस दिशा में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
माननीय प्रधानमंत्री ने फोकस किया था कि पथ सभाएं करनी है, पथ सभाएं छोटे छोटे स्थानों पर जिनको हम नुक्कड़ सभाएं भी कहते हैं। मुझे आपको बताने में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति में जो हमने नया प्रयोग किया इस बार, वो मध्य प्रदेश ने उसे सफलतापूर्वक किया है। चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे माननीय गृहमंत्री जी हों या हमारे मुख्यमंत्री जी, और हम सब लोगों ने मिलकर के 2070 नेताओं ने 10,099 जो हमारे लगभग 12,000 शक्ति केंद्र हैं, उनमें 10,099 शक्ति केंद्रों पर पत सभाएं, नुक्कड़ सभाओं के तौर पर हमने सभाएं की, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग इन सभाओं के अंदर सम्मिलित हुए। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, उसमें हमने बूथ पर झंडा लगाने से लेकर जो नए लोगों को जोड़ने का हमारा अभियान था, ऐसे 47,197 बूथों पर हमने इस बूथ विजय के अभियान को 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर लिया, और एक दिन में वन डे ज्वाइनिंग बूथ पर, बड़ी ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं जो प्रत्येक बूथ पर हमने अभियान लिया था कि हर बूथ पर नई ज्वाइनिंग करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 नए वोट लाने की बात कही थी, उसका हमारा ये आधार था कि हम कैसे इन्हें प्राप्त करेंगे। 282,242 एक दिन के अंदर वन डे ज्वाइनिंग में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मतदाता पर्ची का वितरण का अभियान, इसको हमने इस बार 64,523 बूथों पर जमीन पर उतारा। साथ में ही 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, स्वच्छता के अभियान से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लगभग 66,826 स्थानों पर इन कार्यक्रमों को हमने जमीन पर उतारने का काम किया। साथ में ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन जो अभियान चलाया, त्रिस्तरीय अभियान रहा, कार्यकर्ताओं को फोन से जागरण, जो आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा के चुनाव में कहा गया था कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 12 बजे से पहले वोट डालना, मुझे 10 फोन करने थे, मौनजी को 10 फोन करने थे, ऐसे पूरी चैनिक लीडरशिप की, ये हमने बखूबी मध्य प्रदेश के अंदर किया। OBD के द्वारा उन्हें कॉल और लोकसभा संवाद केंद्र के माध्यम से प्रत्यक्ष कॉल, ये हमने महत्वपूर्ण भूमिका हमने इस चुनाव के दौरान ली। और आज आपको बताने में इस बात के लिए मुझे गर्व है कि बूथ विजय के अभियान में जो हमने गांव चलो अभियान लिया था, उसी प्रकार से बूथ विजय के अभियान में फिर इस बार हमने चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे एक अभियान लिया था कि 10 दिन के अभियान में 2 घंटे हम काम करेंगे। इस पर आज 40,866 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति बनाने का काम किया, और साथ में ही इन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के अभियान के दौरान हमने सामाजिक बैठकें 53,500 से अधिक अलग अलग समाजों की सामाजिक बैठकें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे नेतृत्व ने की। 6 लाख से अधिक लोगों को हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने चुनाव की रणनीति के साथ किया। एक बात और आपको टेक्निकली बताने की जरूरत है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कॉल सेंटर हैं प्रदेश पर, लोकसभा स्तर पर 21 बने थे, सभी 29 लोकसभाओं के जो हमारे कॉल सेंटर थे वो 21 स्थानों पर थे। लोकसभा संवाद केंद्रों से 1,64,85,560 फोन पूरे इस सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया, और चारों चरणों में 298 VC जिनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक बात नई आपको बताने की मैं, जो हमने नया प्रयोग किया इस बार, हमने प्रदेश के अंदर हमारे पूरे नेतृत्व ने मिलकर के महिला नियंत्रण कक्ष, महिलाओं का कॉल सेंटर, लगभग 22,000 महिलाओं ने इस कॉल सेंटर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसका व्यापक प्रयोग हुआ। प्रदेश देश के अन्य राज्यों ने भी इस प्रयोग को सराहा और उन्होंने इस प्रयोग को अपने अडॉप्ट किया, और दिल्ली के अंदर तो
माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में होगा कि वहां से कॉल आया कि आपका महिला कॉल सेंटर दिल्ली प्रदेश उपयोग करना चाहता है, तो यहीं से दिल्ली को भी हमारे महिला कॉल सेंटर हैं उन्हें यहां से कोऑर्डिनेट करने का काम दिल्ली के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश ने इस प्रकार से सहयोग करने का प्रयास किया। लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं का योगदान, उसमें कई प्रकार के महिला समूह स्वसहायता से लेकर के अन्य अन्य प्रकार के महिला समूहों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये इस बार एक विशेष प्रयोग यहाँ पर किया। एक बात और इस चुनाव के अंदर जो महत्वपूर्ण हुई चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर दुनिया के अन्य देशों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कि नो द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पहचाने, और दुनिया के देशों के पॉलिटिकल जो लोग थे, कई प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले, प्रत्यक्ष राजनीतिक दलों के काम करने वाले लोग, दुनिया के लोग इस अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल अपने पूरे देश के अंदर जहां गया, वहां मध्य प्रदेश के अंदर भी युगांडा, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, मॉरीशस, वियतनाम, 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ के मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली देखा। इसी कार्यालय में प्रेजेंटेशन हुआ, उनने कहा कि अब ये किस प्रकार से आप ये करते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश की टीम ने जिसे बेहतर देश के अंदर किया, दुनिया के लोगों ने भी उसको यहां पर देखा और उसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा इस दिशा में हम अपने देशों के अंदर भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस बात को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा, और ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं, और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। यही बात चुनाव के प्रबंधन के संबंध में मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों को रखनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो मध्य प्रदेश के अंदर किया और देश के अंदर भी 12 राज्यों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए मैं इतनी ही बात कहकर के आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी पत्रकार मित्रों ने अपना महत्वपूर्ण समय आज इस पत्रकार वार्ता में दिया। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी माननीय आशीष जी, हमारे महामंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर आप सब माननीय पत्रकारगण, सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है जिसकी दोबारा से मैं दोहराऊं ये थोड़ा सा समसामयिक नहीं होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक, और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है, और कमोबेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है, अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी है उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई, और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा, बड़ा अलग ढंग से देखते हैं एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा, क्योंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा, लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं
कि यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, जैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं और पूरा चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सब ने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी, 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहाँ तक। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो। जब चुनाव में हार जीत होती है कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है, इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए, तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे। इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते। और जैसे हमने सब ने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है जिसने पिछली बार की पटकनी उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में। और हमने देखा कि माँ तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27 लड़ता चुनाव दिख रहा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आज़ादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द तो बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दमदारी दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में। तो ये जो वर्तमान का चुनाव है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब कार्यकर्ता होने के नाते से जहाँ जिसको जिस जगह पर दिया मौका उस तरह से क्या मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। 1, 2, 3, 4 चारों चरण के चुनाव में एक के बाद एक एक के बाद हमारी अपनी ये भाजपा है। और ये भाजपा बाकी लोगों के लिए ये प्रमाण है कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुनती है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं पे भरोसा को और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है कि एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ गई, लेकिन कांग्रेस पहली पीढ़ी को नहीं छोड़ रही। उसी प्रकार से जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, उनका अपना तरीका हो सकता है लेकिन जीवंत तरह के चुनाव में आप जब तक अपनी जनता की भावनाओं को समझ करके जनता के सामने नहीं आओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और इसीलिए पूरे देश का उदाहरण देखा हमने कि दोपहर 2 बजे 12 बजे 1 बजे 45, 46, 47 यहाँ तक कि मैं 48 के टेम्परेचर पे भी दिन में 12 बजे जब रोड शो कर रहा था तो भाजपा के कार्यकर्ता उस तपती धूप में भी धूमधाम से जनता के बीच में कल साथ में थे। अमृतसर में भी 47-48 का टेम्परेचर हुआ है, लेकिन यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है
निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम ईवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मैं आपके सबके माध्यम से आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने बड़े चुनाव अभियान में, और ये एक अच्छी बात है सभी पार्टियों के लिए, राज्य के मुखिया होने के नाते से मैं कहना चाहूँगा कि सभी दलों ने मिल करके आपस के अंदर हमारी अपने अपने चुनाव अभियान के दरमियान आपस में संघर्ष की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई, हम अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ते रहे, अपने विचारों की लड़ाई है, और इसलिए मध्यप्रदेश की जो गौरवशाली विरासत थी उसको बनाए रखा है। एक दूसरे के लिए चुनाव में बोलना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत कटुता वाली कोई घटनाक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने टाला और बहुत स्वस्थ वातावरण में अपनी अपनी बात रख करके कहने का मौका लिया दिया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे चारों चरण में एक भी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का परस्पर कोई मन का मनमुटाव हो जाए ऐसा अवसर नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता को, विपक्ष वालों को भी इस मनाते धन्यवाद दूंगा कि हमारी जवाबदारी पक्ष की होती है तो विपक्ष की भी जवाबदारी, जिनने दोनों तरह से इसको निभाया है। मेरी अपनी बात तो ख़त्म हो गई, अब ये बात सही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये दुविधा भी महसूस कर रहा हूँ कि ये चुनाव की बात करने के लिए हम प्रेस में जरूर बैठे हैं, लेकिन लोग सरकार की बात करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ 5 साल है, जल्दी क्यों करो, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि बातें सरकार की सरकार में कर लेंगे, आज तो चुनाव की बात करें क्योंकि चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं एक बात, ठीक है, मेरे जो 29 लोकसभाओं के 171 विधानसभाएं और 192 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता रही, मैं झारखंड में अभी 6 दिन था, तो जो संथाल का क्षेत्र है, दुमका, राजमहल, गोड्डा, इन 3 लोकसभाओं में मैं 6 दिन जो प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंद्र दुमका में ही था उस समय, तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैंने वहाँ उस समय वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला था, तो अभी फिर मैं वहाँ होकर के आया हूँ, और एक दिन मैं और माननीय मोहन जी के साथ मैं हमीरपुर लोकसभा के अंदर भी, चूँकि मेरी लोकसभा से लगा हुआ है इसलिए वहाँ भी एक दिन हमारा दौरा हुआ था। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मैंने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता रही, मैं झारखंड में अभी 6 दिन था, तो जो संथाल का क्षेत्र है, दुमका, राजमहल, गोड्डा, इन 3 लोकसभाओं में मैं 6 दिन जो प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंद्र दुमका में ही था उस समय, तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैंने वहाँ उस समय वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला था, तो अभी फिर मैं वहाँ होकर के आया हूँ, और एक दिन मैं और माननीय मोहन जी के साथ मैं हमीरपुर लोकसभा के अंदर भी, चूँकि मेरी लोकसभा से लगा हुआ है इसलिए वहाँ भी एक दिन हमारा दौरा हुआ था। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मेहनत की, सबने मिलकर के मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश। एक मिनट, सबसे पहले तो जिसका नाम, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले तो कुछ ये जो प्रश्नोत्तर का रूप में आपका बड़ा योगदान है, आपने हमें हर प्रकार से सहयोग। सबसे पहला प्रश्न करें, बैठो ना, मैं तो इतना ही जानता हूँ, डिबेट उससे की जाती जो डिबेट लायक हो, ये अपने अंतर्मन में झांक के देख ले, जिनने पहले सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी आरोप लगा के, ये तो सबके सामने गवाह है, राफेल का विमान और जो बात बोली गई थी, तो जिसकी भाषा, जिसके विचार, जिसका ही आधार नहीं हो उससे क्या डिबेट करें, और जिनने आप, मैंने अपनी सीट के सामने बताया था कि आप मनोबल के लिए चुनाव हारना अलग बात थी, 2004 में आप जीते अमेठी, 2009 में जीते, 2014 में जीते, आपके पिताजी वहाँ से जीते, आपकी दादी वहाँ से जीती, आपके नाना वहाँ से जीते, आपके पापा वहाँ से जीते, आपकी 5वीं पीढ़ी थी, उसके बाद एक सीट ऐसे ही हार डर के मारे गए कि आप अपनी बहन को लेके आए केरल से कि हम दो ही लड़ेंगे, आते आते बहन भी कह रही मैं मेरे भाई की चिंता करूँगा, तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए वो मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा।